नमस्कार, आप देख रहे हैं अदिति न्यूज़। की बड़ी खबर मिल रही है नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव लाठगांव से, जहां पर रोड न बनाए जाने को लेकर आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का किया घेराव। आपको बता दें कि आज नरसिंहपुर जिले में जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आम आदमी परेशान है, वहीं जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार राजनीति की रोटी सेंकने में लगे हुए हैं। आए दिन देखने में यह आ रहा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, ना ही उन्हें कोई दिलचस्पी है, बल्कि वो स्वयं का उल्लू सीधा करने में ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो नरसिंहपुर हो या फिर पूरा मध्य प्रदेश या फिर पूरा देश हो, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का नज़ारा अपने आप पेश हो जाता है। जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी जनमानस मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपनी रोटी सेकने में मशगूल हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहाँ नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद के ग्राम लाठगांव के अंतर्गत, जहाँ पर बरसों से पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामीण जनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सालों बाद भी रोड न बन पाने के कारण ग्रामवासियों में रोष की भावना व्याप्त है और वो एकत्र होकर जनपद पंचायत का घेराव करने पहुंचे। वहीं पर जब सरपंच से पूछा गया तो वह अपनी सफाई देते नजर आए। इस पूरे मामले में जनपद सीओ का कहना है कि यह लंबी रोड है, काफ़ी दूरी की है, यह टुकड़े टुकड़े में ही बन पाएगी। ऐसा देखकर ये अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और जनमानस परेशान होता रहता है। आगे देखना यह है कि खबर के बाद भी ये रोड बन पाती है या फिर ऐसे ही लोग कच्ची रोडों पर अपना गुजारा करते रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। लोग 40 मकान बा रहे इस रोड पे, लाठगांव ग्राम पंचायत में मेन रोड ढूमा रोड से लाठगांव से जो शनिदेव के मंदिर के पास लाठगांव ग्राम पंचायत भी आपको दिखा रही है। इसमें मान लीजिए 40 मकान बा रहे हैं, हर बच्चा लागे, बुजुर्ग से लागे, बच्चे तो लागे बहुत परेशान है। बरसात में लागे बहुत ज्यादा परेशान, कीड़ा कांटे भी निकलते हैं, झाड़ी भी लगी है, गड्ढे भी हैं, 3 फुट 4 फुट गहरे गड्ढे भी, 2 फुट गहरे भी, 4 इंच गहरे गड्ढे भी हैं। पानी अभी भी भरा है इस रोड में, आपने देखा है, थोड़ी 8 दिन से मौसम खुला है तो गड्ढे सूख गए कछु, है ना। बच्चे लोग डबल कपड़े लेके आते हैं स्कूल ग्राम पंचायत के लिए, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, यहाँ सती माता का मंदिर भी है। तो इसलिए ग्राम पंचायत बारे बोलते हैं कि जो PW में, PW बारे बोलते हैं ग्राम पंचायत वाले। तो लाठगांव ग्राम पंचायत वाले 14-30 साल से बनाते हैं जनता लोगों ने, खूब रुपया निकलवाते और खाते हैं, है ना। ना गड्ढा को निर्माण करवाते, ना गड्ढा खुदवाते, ना नाली कटवाते, ना झाड़ी छटवाते। अभी इसमें कुछ कुछ नहीं होता 30 साल से। क्या नाम है? हम लीलाधर लाल कुशवाहा है। कहा का इसको गड्ढे 33 वर्ष हो गए। जे रोड सब लोग बताते PWD में, हम लोगों ने भी उसका खोज किया तो PW वाले बोलते हम बनाएंगे जी। अभी पूर्व में शिकायत की है PWD में भी ग्रामीणों ने, वहाँ पे ये भी बताया गया कि वह हमारे द्वारा नहीं आती, हमारे अंतर्गत नहीं आती वो रोड जी। तो ये अभी PWD के अंतर्गत में नहीं है, PWD बोल रहे, तो फिर कैसे इस रोड का निर्माण करेंगे? जी वो रोजगार वो शेड्यूल सड़क में खोलेंगे। तो कब तक हो जाएगा? ग्रामीणों की बहुत तेज मांग है। 2 अक्टूबर से चलने लगती जब बैठा था। अभी इतने पूर्व समय तक क्यों नहीं किया गया? सर जी इसके आगे अपन जानकारी नहीं, जो भी है अपने समय की जो अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने एक बार खोलने की कोशिश की थी उसमें रोजगार गारंटी में, तो वो नहीं खुला। तो ये इस बार का पक्का है कि ये रोड कहाँ सर जी खोल लेंगे अपन? तो कब से बनना शुरू हो जाएगी? सर जी लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा इस कार के शुरू होने में। अब वो कहा है आप जानते, तो सब लोग देर ही लगता है वहाँ में। तो मतलब ग्रामीणों की मांग पूरी होगी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं जी सरपंच पति मोहन कुमार चढ़ा। क्योंकि लंबी है रोड, लंबी रोड होने के कारण यदि CC रोड बनाई जाती है तो उसका जो एस्टीमेट है बहुत ज़्यादा जाना है। तो उसको अभी ग्राम पंचायत से मैंने जब बात करी तो ग्राम पंचायत से हमको ये जानकारी मिली है कि वो रोड बनना स्टार्ट हो गई है और टुकड़े टुकड़ों में करके उसको बनाया जाएगा। क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत जो जो कार्य तय किए हैं उसकी प्राथमिकता की श्रेणी में काम लिए जाते हैं। और चूँकि ये रोड में इतना ज़्यादा एस्टीमेट बनता कि पूरी राशि जब ख़त्म होने के बाद भी वो रोड पूरी नहीं बन पाती है ना, तो अभी जो राशि उनके पास थी पर्याप्त, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उन लोगों, लगभग 150 मीटर रोड अभी बना रहे हैं। और इसी प्रकार से जैसे जैसे इनकी कार्य योजना GPDP में दिखेगी, कार्य योजना के हिसाब से जो उन्होंने तय किया है उसको टुकड़े टुकड़े में जोड़ते हुए वहाँ तक, यदि अन्य मद से विधायक मद से या अन्य मद से राशि कहीं से ग्राम पंचायत को मिल जाती है तो निश्चित रूप से वो जल्दी पूरी रोड बन जाएगी।